ये सारे स्टार्च के कपड़े हैं, प्रेस हो गए हैं और देख लीजिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी। तो ये हो गया काम हमारा। इसमें और थोड़े से कपड़े बचे हैं और प्रेस करते करते मेरे हाथ देखिए कैसे हो गए। ये देख लीजिए स्टार्च के सारे। और अभी मैं कुर्ता प्रेस करके दिखाने वाला हूँ कुर्ता कैसे प्रेस किया जाता है। ये प्योर कॉटन नहीं था, थोड़ा सा मिक्स कपड़ा था, तो बट हमने इसको स्टार्च कर दिया है। इसको प्रेस कैसे करेंगे, और इसको मैंने पानी स्प्रे नहीं किया है, पानी छिड़का नहीं है इसके ऊपर। कल शाम को हमने स्टार्च करके सुखाने डाले थे, थोड़े से गीले ही थे, ये सूखे नहीं थे पूरे, तो मैंने ऐसे ही इसको अभी बकेट में रख दिया था। उसके बाद में अभी इसको मैं प्रेस करने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। तो ये रहा कुर्ता, और ये जो प्रेस है ना, मेरे पुराने वाले प्रेस है, इसको मैंने रिस्टोर किया था, तो मैंने सोचा कि इसी से वीडियो बनाते हैं आज। तो ये कुर्ता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा आता है, तो सबसे पहले इसके बटन जो होते हैं ना, वो साइड प्रेस करनी है अंदर से। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि मुझे एक एक डिटेल में आपको बताना है। तो ये बटन वाली साइड है ना, ये अंदर से प्रेस होगी। ये और ये कॉलर, आपकी कॉलर भी मैं पहले अंदर से ही प्रेस करूंगा, इनकेस अगर ज्यादा प्रेस गर्म है आपकी तो यहाँ पे पीला हो जाएगा, इस वजह से पहले तो अंदर से ही प्रेस करना है। तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा गर्म है या नहीं है। ज़्यादा गर्म अगर प्रेस होती है तो कपड़ा येल्लो हो जाता है, बर्न हो जाता है स्टार्च आपका। ये हो गया आपकी कॉलर। शोल्डर ये कितना भी ले सकते हो आप, कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, नॉर्मली मैं इतना लेता हूँ। शोल्डर प्रेस करने से ना फोल्ड सामने से अच्छा दिखता है। जहां से प्रेस निकलेगी ना, वो कपड़ा पूरा एकदम ड्राई भी हो जाना चाहिए और एकदम चिपक जाना चाहिए, अच्छे से प्रेस हो जाना चाहिए। ये रहे आपके स्लीव्स। जितना अच्छे से कपड़ा बिछाओगे आप, दूसरा हाथ भी एक्टिव रखना है कपड़े को सही करने के लिए। दोनों तरफ से प्रेस कर देंगे। दूसरी स्लीव भी इसी टाइप में प्रेस करनी है। स्लीव भी हो गई हमारी अच्छे से प्रेस। अभी ये कुर्ता है ना, इसको इस तरह से बिछा लेना है। ये जो इसका स्लीव और ये पोर्शन जाएगा इधर नीचे, और पॉकेट हो अगर कुर्ते को तो पॉकेट भी प्रेस कर लेना है। पॉकेट इस तरह से दोनों पॉकेट हमने जोड़ दिए हैं। सबसे स्टार्टिंग में भी आप पॉकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हो गया आपके पॉकेट। ये सारा हमने अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है, मतलब कुर्ता एकदम एक जैसा ही दिखेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं खिसकेगा ये पोर्शन। Thank you.
जय श्री राम। ये पोर्शन हमारा हो गया है प्रेस, अभी ये ऊपर का पोर्शन प्रेस करेंगे। मैंने क्या मार लिया, ये तो स्लागे बैठे, ये इस तरह में इस तरह होता है। प्रेस एकदम धीरे धीरे ही करना है, और जहां पे आपकी प्रेस जाएगी उससे पहले आपको हाथों से कपड़े को सीधे करना है, इस तरह से सिलवटें नहीं आएंगी प्रेस करते करते। फिर ये हो गया आपका पूरा कुर्ता। अभी इसको ऐसे ही प्रेस कर देंगे। अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इसका फोल्ड, तो ये जो है ना, ये कॉलर है ना, ये कॉलर है ना, यहाँ से आपको समझ लेना है कि एक एक उंगली का गैप है। बहुत ज़्यादा बड़ी फोल्ड नहीं करनी है, जितनी छोटी फोल्ड करेंगे उतना वो कुर्ता हैंडलिंग के लिए अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारी एक उंगली का मेजरमेंट। ये हो गया हमारा कुर्ता, और ये स्टार्स किया हुआ था। तो बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।